ओम शांति। 28 जुलाई 1983 को दीदी मनमोहिनी जी साकार शरीर छोड़कर बाप दादा के पास पहुँचे। उसके पश्चात दो दिन बाद 30 जुलाई को बाप दादा पधारे। दीदी मनमोहिनी के संदेशी बनकर और बाबा ने कुछ पावरफुल स्मृतियाँ हम बच्चों को दिलाई, तो उसमें से कुछ पावरफुल अभ्यास आज हम करेंगे। तो बाबा ने क्या क्या याद दिलाया? बाबा ने सबसे पहले कहा कि ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे, टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। तो बहुत गहरी स्मृति का पॉइंट है कि संगम योग टॉप पॉइंट है ड्रामा के चक्र में। कैसे? तो चक्र में संगम योग ऊंचा योग है, चित्र के हिसाब से भी संगम योग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंचाई ऊंची पॉइंट पर ऊंचे स्थान पर ऊंची स्थिति पर ऊंचे नॉलेज में ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। तो एक तरह से हमें ये परमानेंट अपनी स्मृति में ले जाना है कि हम आत्माएं संगम योग पर हैं और संगम योग है टॉप पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ सर्व से ऊंचा योग है। तो बार बार अपने मन में याद रखेंगे दिन भर कि मैं आत्मा ऊंची पॉइंट पर ऊंचे स्थान पर ऊंची स्थिति पर ऊंची नॉलेज में ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में और ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप में स्थित हूँ। जितना जितना हम इस स्मृति में स्थित होते जाएंगे तो व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा अभ्यास बाबा ने बताया है, बार बार इसे स्मृति में लाना है कि मैं आत्मा संगम युग पर हूँ, टॉप पॉइंट पर स्थित होके पूरे ड्रामा के चक्र को देख रही हूँ। तो धीरे धीरे हमें इस अवेयरनेस को गहरा करते जाना है, संगम युग का क्या महत्व है, इस युग की क्या क्या विशेषताएं हैं। संगम युग की सारी विशेषताओं को धीरे धीरे इमर्ज करते जाएंगे।
और क्यों ऊंचा युग है? चढ़ती कला का युग है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने का युग है। सर्व प्राप्तियों को अनुभव करने का युग है। इस संगम युग में हम हमारा पाठ भगवान के साथ ऊंचे से ऊंचा पाठ है। इस टॉप पॉइंट पर स्थित होके पूरे 5000 साल के ड्रामा को देख रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी स्थिति में इस पॉइंट पर स्थित होकर देखने से ड्रामा कल्याणकारी दिखाई दे रहा है। ये अभ्यास हमें साक्षी दृष्टा स्थिति की तरफ ले चलता है। इसी अभ्यास को बार बार करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।